नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। ओडिशा के कालाहांडी से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर है। यहां के एक आदिवासी शख्स को अपनी बीवी की लाश कंधे पर रखकर 12 किलोमीटर इसलिए पैदल चलना पड़ा क्योंकि उसके पास गाड़ी करने को रुपए नहीं थे। जिला अस्पताल प्रशासन ने कथित तौर पर उसे गाड़ी देने से मना कर दिया था। इसके बाद दाना मांझी ने पत्नी के शव को कपड़े में लपेटा और 7 किलोमीटर दूर अपने गांव मेलघारा जाने का फैसला लिया। मांझी लाश कंधे पर लिए करीब 12 किलोमीटर तक चलता रहा। तब कुछ युवाओं ने उसे देखा और स्थानीय अधिकारियों को खबर की। जल्द ही एक एम्बुलेंस भेजी गई जो लाश को मेलघर गांव लेकर गई। उधर मामला प्रकाश में आने के बाद जिला कलेक्टर ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए मामले की जांच कर दोषियों को सजा देने का आश्वासन दिया है। कलेक्टर के मुताबिक मांझी के परिवार को हरिश्चंद्र योजना और रेड क्रॉस फंड के जरिए मदद की जाएगी। घाटी के हालात का जायजा लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर कश्मीर दौरे पर गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि कश्मीर की बड़ी आबादी शांति के पक्ष में है। उन्होंने सभी कश्मीरियों से अपील की कि वे कश्मीरी युवाओं के भविष्य से ना खेले, उनको पत्थर उठाने के लिए ना उकसाए। गृह मंत्री ने कहा कि बच्चे तो बच्चे हैं, अगर वे अपने हाथों में पत्थर उठाते हैं तो उन्हें समझाया जाना चाहिए। सीएम महबूबा मुफ्ती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर के भविष्य के बिना भारत का भविष्य नहीं बन सकता है। सरकार कश्मीर का विकास करना चाहती है, इस दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने सुरक्षा बलों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि पैलेट गन पर 2-3 दिन में रिपोर्ट आएगी, सुरक्षा बलों को उसका विकल्प दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के मुख्य चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके की तरफ से खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करेंगी। अब प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी। प्रशांत किशोर प्रियंका से पहले यूपी में राहुल गांधी को आगे लाना चाहते हैं। इसके लिए उनसे पदयात्रा या फिर कुछ रोड शो करवाए जाएंगे। राहुल का कार्यक्रम भी जल्द तय हो जाएगा। वही राहुल गांधी का ये इम्तिहान है क्योंकि यूपी में सोनिया गांधी ने रोड शो निकाला, वे बीमार पड़ गए। बस यात्रा के दौरान शीला दीक्षित की भी तबीयत बिगड़ गई। अब ऐसे में राहुल गांधी के लिए रोड शो करना या पदयात्रा निकालना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना सीधे सुप्रीम कोर्ट से ही भिड़ गई है। MNS ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए थाने में 49 फीट ऊंची दही हांडी टांग दी थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल नहीं होंगे। कार्यक्रम के आयोजक अविनाश जाधन ने अपने पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे के आदेशों का पालन करते हुए थाने में 49 फीट ऊंची हांडी लगाई है जो कि सुप्रीम कोर्ट को खुले चैलेंज की तरह है। दही हांडी लगाने वाले जाधव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ये निर्धारित नहीं कर सकता कि हम अपना त्योहार कैसे मनाएं। अगर मैंने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। पुलिस ने संवेदनशील मामला होने के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। एशिया कप 2016 के फाइनल से पहले बांग्लादेशी फैंस टीम इंडिया का कितना भद्दा मजाक उड़ाया था। ट्विटर पर डाली गई वह तस्वीर याद कीजिए जिसमें बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद को टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी का काटा हुआ सिर लेकर पूरे जोश में दिखाया गया था। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टीम इंडिया को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट में नंबर 1 बनने पर उसके फैंस ने भी कुछ ऐसा ही किया है। पाक फैंस ने अपनी टीम को बधाई देते हुए विराट कोहली की तस्वीरों का उपयोग करके भारत का मजाक उड़ाया है। हालांकि टीम इंडिया के फैन भी कहां चो बैठने वाले थे, उन्होंने भी करारा जवाब दिया। दरअसल हुआ ये कि टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का चौथा मैच बारिश के कारण ड्रॉ हो जाने पर मिसबाह उल हक की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम ICC के टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गई। जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालातों के मद्देनजर केंद्र सरकार अब कड़े कदम उठाने की पूरी तैयारी में है। विश्वास सूत्रों के मुताबिक अगर महबूबा सरकार का रवैया नहीं सुधरा तो घाटी में शांति बहाली के लिए राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है। बीजेपी को उम्मीद थी कि महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने से घाटी के हालात सुधरेंगे, लेकिन यहां तो सब उल्टा ही नजर आ रहा है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में है। सूत्रों के अनुसार केंद्र राजनाथ सिंह के दिल्ली आने के बाद ही केंद्र सरकार कड़ा फैसला करने की तैयारी में है। इस महीने के अंत तक जम्मू कश्मीर में चल रही अशांति को 50 दिन से ऊपर हो जाएंगे।
कानून व्यवस्था राज्य का मुद्दा है और राज्य सरकार ने भी अपनी ओर से कई कदम उठाए हैं, जिन पर केंद्र सरकार लगातार इन कदमों पर नजर रखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के हालात पर दो टुक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि 50 दिन होने को है, कर्फ्यू अब 24 घंटे लागू है, घाटी में पेट्रोल पहुंच नहीं रहा और कश्मीर में परेशानियां आमजन की कमर तोड़ रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर हालात काबू नहीं किए गए तो 1947 के बंटवारे जैसे हालात हो सकते हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि केंद्र सरकार मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रही, प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर पर कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाते, शांति की अपील नहीं करते, यही हालात रहे तो 1947 के बंटवारे का नजारा हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, 47 में बंटवारे की राजनीति हुई थी, बहुत लोग मरे थे, बेघर हुए थे, बर्बादी का आलम दिल दुखाने वाला नहीं, भूकंप जैसा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को जोरदार झटका दे दिया है। सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया है कि अब से वो आतंकी घटनाओं में मारे गए या घायल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को भी मुआवजा देगी। कैबिनेट ने आतंकी हमलों और नक्सली हमलों में मारे गए और घायल लोगों के लिए मुआवजे की रकम में भी भारी बढ़ोतरी की है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक ये मुआवजा पीओके के लोगों के लिए भी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात में उन्हें ये देना संभव नहीं है। बता दें कि पाक की तरफ से होने वाली गोलीबारी में हुई मौतों के लिए मुआवजे की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी। साल 2014 में जब पीएम मोदी दीपावली मनाने के लिए कश्मीर गए थे तब उनसे भी ये मांग की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी सभी संस्थाओं को सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने से बचने को कहा है। संघ ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी संस्थाओं को प्रधानमंत्री द्वारा गोरक्षकों की निंदा वाले बयान से नाराजगी जाहिर करने से मना किया है। आगरा में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 236 कार्यवाहकों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर कुछ विहिप नेताओं द्वारा दिए गए बयानों से भाजपा को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे ये भी संदेश गया कि संघ के भीतर ही दरार पड़ गई है। खबर है कि बैठक में भागवत ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत में मदद के लिए रणनीतियों पर भी चर्चा की। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएजी के अनुसार आम आदमी पार्टी सिर्फ एक विज्ञापन अभियान पर 33 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसका 85% हिस्सा दिल्ली के बाहर खर्च किया गया। सीएजी की ये रिपोर्ट आम आदमी पार्टी सरकार की सत्ता के पहले साल में विज्ञापन पर किए गए धुआंधार खर्च पर उंगली उठाती है। 55 पनौर की रिपोर्ट में सीएजी ने दिल्ली सरकार पर टेलीविजन विज्ञापनों पर जनता के धन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने टीवी पर एक व्यक्ति को झाड़ू लहराते दिखाया जो कि आपका चुनाव चिन्ह है, और उन्होंने आपकी सरकार का संदर्भ दिया जो कि पार्टी का प्रचार है, ना कि सरकार का। दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार भी शीला सरकार की तरह भ्रष्ट है। इस सरकार के मुखिया और उप मुखिया दोनों भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा देते रहे हैं। सतीश उपाध्याय ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के भलस्व स्थित एक भूखंड को एक निजी बिल्डर को सौंपने के मामले में दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अरबों रुपए के इस जमीन घोटाले में डॉक्टर नावलेंद्र कुमार सिंह अधिकारी को मुख्यतः दोषी पाया गया है। वे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बेहद नजदीकी रहे हैं। DUSIB की जमीन के घोटाले में उप मुख्यमंत्री की पोल खोलने के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नावलेंद्र कुमार सिंह शीला दीक्षित सरकार के समय भलस्व से जुड़े मॉडल टाउन के SDM थे और तब भी जमीन के मामले में भी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। JNU में राष्ट्रगान के दौरान छात्रों की कम संख्या से उपजे विवाद पर JNU प्रशासन की तरफ से जवाब भेजा गया है। एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया गया है कि छात्रों की उपस्थिति अच्छी खासी थी, साथ ही कुछ तस्वीरें भी भेजी गई है जिनके जरिए दिखाया गया है कि टीचर प्रोफेसरों से लेकर स्टूडेंट भी इस राष्ट्रगान में शामिल हुए थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की PRO पूनम कुदेशिया ने पूरी जानकारी दी और कहा कि वाइस चांसलर के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में ये पूरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। 23 अगस्त को हुए राष्ट्रगान कार्यक्रम में छात्रों की कम उपस्थिति को लेकर कई जगह खबरें छपी थी।
जिसके बाद जेएनयू प्रशासन ने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़ रही मेट्रो टीवी से, तब तक के लिए नमस्कार।